SOT and POT, solution of triangle and properties of triangle. क्या चैप्टर का पूरा नाम क्या है? Solution of triangle and yes, properties of triangle. पूरे IIT JEE मैथमेटिक्स में अगर देखें, जो एडवांस IIT JEE मैथमेटिक्स है, उसके अंदर कुल मिला के टोटल 46 चैप्टर्स हैं. कितने चैप्टर हैं? 46, 11, 12 दोनों मिला के. उसमें से केवल एक ही चैप्टर है जो प्योर ज्योमेट्री का है. वैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. एंड कोऑर्डिनेट से क्या होता है? कोऑर्डिनेट उसको कन्वर्ट कर देता है एलजेब्रा में. बेसिकली स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इकलौता चैप्टर जो प्योर ज्योमेट्री पर बेस्ड है, प्योर ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, जिसके अंदर एलजेब्रा नहीं है, वो है SOT एंड POT, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. तो बहुत अच्छा चैप्टर, ध्यान से पढ़ना है. इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह लगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड नोटेशन. इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ नोटेशन है जिन पर ध्यान रखना है. ट्रायंगल के एंगल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. किससे? कैपिटल लेटर. ट्रायंगल के एंगल्स को हमेशा कैपिटल लेटर डिनोट करेंगे. और ए के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी. ये स्टैंडर्ड है. क्या है ये? स्टैंडर्ड. एंगल्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे और उन एंगल्स के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल लेटर से डिनोट होगी. ये ध्यान रखना. ऑब्वियस सी बात है, बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी बोल देना ठीक रहेगा. ए प्लस बी प्लस सी पाई हो जाएगा. एस, स्मॉल एस डिनोट करता है सेमी पेरीमीटर. क्या डिनोट करता है? सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा. पेरीमीटर भाई कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका आधा. इस पूरे चैप्टर में एस हमेशा डिनोट करेगा सेमी पेरीमीटर. क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? नाम है बस एस, सेमी पेरीमीटर. सेमी से काम से मतलब. डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं. ये हमेशा डिनोट करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. कहीं भी मैंने डेल्टा लिख दिया तो डेल्टा विल ऑलवेज मीन द एरिया ऑफ ट्रायंगल. कहीं भी मैंने डेल्टा लिख दिया तो डेल्टा विल ऑलवेज मीन द एरिया ऑफ ट्रायंगल. और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दो फॉर्मूले हमें ऑलरेडी आते हैं. एक है हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस. याद आया सब बच्चों को? एक तो एरिया निकालने काम में आएगा, या एस का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर. ये कौन सा फॉर्मूला है? इसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला. याद आया सब बच्चों को? और एक और फॉर्मूला बहुत जगह यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. किसी भी ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं ट्रायंगल के अंदर. क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा और थर्ड साइड हमेशा डिफरेंस ऑफ टू साइड से बड़ी होगी. कोई भी साइड ले, जैसे ए ले लें तो वो बी प्लस सी से छोटी होगी और बड़ी होगी इनके डिफरेंस से. बी ले लें तो ए प्लस सी से छोटी होगी और बड़ी होगी इनके डिफरेंस से. क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है. अगर ट्रायंगल है तो इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा. ट्रायंगल के अंदर दो साइड का सम तीसरी से बड़ा ही होगा और उनका डिफरेंस तीसरी से छोटा ही होगा. ट्रायंगल अगर है तो इक्वल टू का साइन कहीं पर भी होल्ड नहीं करेगा. क्या बात समझ भाई से बच्चों को? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? पाई.
इस पाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है पाई, ए प्लस बी प्लस सी पाई होने के कारण कुछ चीजें बहुत तेजी से हो जाती हैं, जो कि मैंने कंडीशनल आइडेंटिटी में भी बताई थी और यहां पर मैं फिर बताऊंगा। ए प्लस बी प्लस सी पाई है, बोर्ड पर देखें तो साइन ऑफ ए प्लस बी को बड़े आराम से आप साइन सी लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। साइन ऑफ बी प्लस सी को बड़े आराम से साइन ए लिख सकते, साइन ऑफ सी प्लस ए को बड़े आराम से साइन बी लिख सकते, ऐसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी को बड़े आराम से माइनस कॉस, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही कॉस ऑफ बी प्लस सी को माइनस कॉस, सी प्लस ए को माइनस कॉस। एक और चीज देखो, कोई खास बात नहीं, अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है बच्चों तो क्या बोलूं मैं, लेकिन बोलना पड़ेगा ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू, ऑब्वियस ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू। चलिए अब देखो, बोर्ड पर देखो, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू विल बी इक्वल टू कॉस सी बाई टू, पाई बाई टू माइनस थी। उसी प्रकार से साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज कॉस ए बाई टू, उसी प्रकार से साइन ऑफ सी प्लस ए बाई टू इज कॉस बी बाई टू, बोलो हां। उसी प्रकार से कॉस का फॉर्मूला पकड़ लें, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज साइन सी बाई टू, बोलो हां। कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज साइन ए बाई टू, बोलो हां। एंड कॉस ऑफ सी प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन बी बाई टू। ये सब किसमें, ट्रायंगल में। क्या ट्रायंगल की स्टैंडर्ड रोटेशन समझ में आए, क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि ए के अपोजिट साइड स्मॉल है, बी के अपोजिट साइड बिल्कुल स्टैंडर्ड है और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। कॉपी करिए, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर वन समझ में आ गया स्टैंडर्ड रोटेशन था। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, किसके बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बड़ा काम का था, बोर्ड पर देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया, थोड़ा बोर्ड पर देखेंगे। ओके, ए के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल ए हो जाएगी, बी के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी हो जाएगी और सी के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी हो जाएगी। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बचपन का फॉर्मूला है। यहां से ऑल्टीट्यूड खींच दें, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए डी कह दें और ये एंगल तो खैर अपना बी है ही, तो यहां पर मैं एरिया लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू ए डी, बेस ए लेंथ की है और ऑल्टीट्यूड ए डी, बोलो हां। यहां पर साइन रूल लगा दो, साइन बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन बी हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज सी, तो एडी को बड़े आराम से लिख सकते हैं सी साइन बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हाफ ए सी साइन बी। इसको चक्कर घुमाइए, ये बन जाएगा हाफ ए बी साइन सी या हाफ बी सी साइन ए। इसको हम याद रखेंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच के एंगल। इधर देखो हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल उल्टा हुआ होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ उनके बीच का एंगल। क्या बात समझ में आई से बच्चों को, क्या बात समझ में आई से बच्चों को। एक और चीज डेल्टा निकाल लिया आपने, अब जरा बोर्ड पर देखें, ए डी लेंथ, बोर्ड पर देखें, ए
बी सी। ध्यान देखिए, ए से परपेंडिकुलर खींचते हैं, इस परपेंडिकुलर के लेंथ को पी ए कह देते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। बी से भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस पूरी लेंथ को पी बी कह देते हैं। सी से भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस पूरी लेंथ को पी सी कह देंगे। ठीक है, ये लेंथ कितनी आ गई ए, ये लेंथ कितनी आ गई बी, ये लेंथ कितनी आ गई सी। बोलो वहां, और सोचो, हाफ इंटू ए इंटू पी ए डेल्टा हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पी ए लेंथ आ गई 2 डेल्टा बाई ए। उसी प्रकार से पी बी लेंथ आ गई 2 डेल्टा बाई बी। उसी प्रकार से पी सी लेंथ आ गई 2 डेल्टा बाई सी। ऑल्टीट्यूड की लेंथ 30 होनी चाहिए, यहां से ऑल्टीट्यूड 2 डेल्टा अपॉन ए, यहां से ऑल्टीट्यूड 2 डेल्टा बाई बी, यहां से ऑल्टीट्यूड 2 डेल्टा बाई सी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला ध्यान रखना था बच्चों को, बाकी हीरोन्स फॉर्मूला बाकी तो है ही। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियर हुआ, क्या ये समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इंटू साइन ऑफ बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल, और ऑल्टीट्यूड की लेंथ। कॉपी करिए,